हाई गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम सेफ दीक्षा जोशी एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही है। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे की पॉइंट्स की बात करेंगे जो कि आपके अटेम्प्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज़ देखो, अभी ना आपके पास 5-6 दिन बाकी रह गए हैं और ये 5-6 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबको भी पता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड है आपके लिए। यहाँ पे अभी आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। अभी सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि आई एम अज्यूमिंग दिस थिंग कि आपका पढ़कर सब कुछ हो गया है, अभी आपका रिवीजन चल रहा है। और अभी जो आपका रिवीजन चल रहा है, तो पता है रिवीजन के टाइम पे कई बार ऐसा होता है कि हम अगर कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं और हमको उस टॉपिक की चीज़ें याद नहीं आती, हम रिकॉल नहीं कर पाते। इनफैक्ट कई बार ऐसा होता है कि वो टॉपिक हमारा बेस्ट टॉपिक था, वो हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक था और अभी हमें वही याद नहीं आ रहा है। इस टाइम पर हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है कि यार ये तो हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक था और अभी हमको यही नहीं आ रहा है, तो बाकी तो हमें क्या होगा। इससे क्या होता है, जैसे हमारी प्रोग्रेस है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, रिविजन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, रिविजन कर रहे हैं, प्रोग्रेस है यहां तक की। और ऐसा अगर कोई भी इवेंट हुआ है, इंसिडेंट हुआ, तो एकदम से हम कहां आ जाते हैं, यहां आ जाते हैं। मतलब इतनी कोई बड़ी बात है नहीं वो, बट हमारे ब्रेन में ये सिग्नल्स भागने लगते हैं कि ये चीज़ हमें नहीं आई और ये तो हमारा बहुत ही मोस्ट फेवरेट टॉपिक था, या फिर ये हमारा बहुत ही कंसेप्चुअली क्लियर टॉपिक था, या फिर ये हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक था और हमसे ये नहीं हो रहा है। जो हमारे ब्रेन में क्या होता है, ऐसे सिग्नल्स रोटेट होते हैं और इससे हमारे जितने भी प्रोग्रेस है वो यहाँ से यहाँ आ जाती है। सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, जो कि डेफिनेटली होगा, कोई ना कोई टॉपिक ऐसा निकलेगा ही जो कि आपने पहले पढ़ा था, अभी आपको नहीं याद आ रहा है, आप नहीं रिकॉल कर पा रहे हो, टाइम पे आपको क्या करना है, आप उस चीज़ को बहुत ईजी लो। आपको बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना रिएक्ट करोगे ना, आपका ब्रेन उसे डबल रिएक्शन देगा। तो आपको इतना रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू फूल योर माइंड, नहीं आ रहा है, ठीक है, वी आर ह्यूमंस ना। ऐसे थोड़ी है कि कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन हमने डाली है तो वो एकदम परमानेंटली स्टोर हो गई है। चीज़ें होती है, कुछ चीज़ें हमें याद रहेगी, कुछ चीज़ें हम भूल जाएंगे। तो ठीक है, टेक इट ईजी, आप बस उस चीज़ को फिर से रिवाइज करो, रिकॉल करने की कोशिश करो, बट आराम से करो। होगा, बिल्कुल होगा, तो आप उसको रिकॉल करो, रिवाइज करने की कोशिश करो, एक दो बार रीड करो, आपको याद आ जाएगा। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर थे, अगर आपकी सारी चीज़ें क्लियर थी, तो आपको डेफिनेटली याद आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं याद आ रहा है तो ठीक है ना, उसको फिर से रीड कर लो। अभी क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। नाउ द सेकेंड थिंग इज, अभी ना आपके एडमिट कार्ड आ गए हैं, आपके एडमिट कार्ड में सेंटर आपके बता दिए गए हैं कि आपका क्या एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो होने वाला है। तो अगर आपका सेंटर कुछ ऐसा है जहाँ पे आपने पहले एग्जाम दी है और आपको पता है वो जगह कहाँ पे है, क्या है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपका सेंटर कोई नई जगह आया है जो कि आपको नहीं पता है, या फिर कोई न्यू एरिया में है वो, तो आप एक चीज़ ज़रूर करना, आपके एग्ज़ाम के पहले या तो आप खुद, अगर आपके पास टाइम है तो आप खुद वहाँ पर विजिट करके आना, आप देख लेना कि एग्जैक्टली आपका सेंटर कहाँ पे सिचुएटेड है। पर अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप आपके घर में से किसी को, आपके भाई बहन को, या फिर आपके किसी फ्रेंड को भी बोल सकते हो कि तुम देखकर आ जाओ कि कहाँ पे सिचुएटेड है, तो वो आपको सही सही गाइड कर देंगे कि तुझे कहाँ पे जाना है। नाउ द थर्ड थिंग दैट आई वॉन्ट टू टेल यू इज कि आई नो आप लोगों ने राइटिंग प्रैक्टिस की होगी, और अगर आपने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं भी की है ना, तो कोई बात नहीं, अभी आपके पास 5-6 दिन है, तो आप उसमें सिर्फ इतना सा करो कि आप हर दिन में एटलीस्ट 1-2 क्वेश्चन का टाइम निकालो और आप एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन को लिखने की कोशिश करो। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जनरली स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है, उनको आता सब कुछ है, कंसेप्ट भी क्लियर है, पता भी है कि क्या लिखना है, पर लिखना कैसे है उनको वो चीज़ नहीं आती है। तो ठीक है, अभी तक हमने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं भी की ना, तो कोई बात नहीं, अभी आपके पास 5-6 दिन है, आप उसके अंदर थोड़ा सा टाइम निकाल के ये चीज़ कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपकी ताज़ा प्रैक्टिस रहेगी, आपको एग्ज़ाम में जाते से एकदम से कुछ भी नया नहीं लगेगा, आपको पता होगा कि आपको आंसर फिर शुरू कैसे करना है, आपको आंसर ख़त्म कैसे करना है, आप इस चीज़ से अवेयर रहोगे। ये चीज़ आपको करनी है। हम इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट, एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू हैव नॉट इट सब्सक्राइब्ड। बाय बाय, टेक केयर।